हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम इस छोटे से बॉक्स को अनबॉक्स करने वाले हैं और देखो ये कितना हैवी है। इनको कौन सा दिख रहा है? तो आप ट्राई कर देख लो। ओह, ये तो सच में बहुत हैवी है। साउंड भी आ रहा है इसमें। कौन सा खिलौना है? खिलौना नहीं है, और हम आपको ओपन करके दिखाएंगे कि इस छोटे से बॉक्स में क्या है। और ये जो छोटू सा बॉक्स है ना, इसमें ना एक बड़ा धमाका है। तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी स्मारा का इंटरेस्टिंग ब्लॉग जब भी पोस्ट हो, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। ये हो चुका है हमारा छोटू बॉक्स अनबॉक्स। इसमें देखो ब्लैक कलर का कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो स्मायरा आपको वन बाय वन दिखाएगी कि इसमें क्या है और इसने ये प्रोडक्ट क्यों मंगवाया है। ये इसने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया है क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगा और मार्केट में हमें कहीं भी नहीं मिला ये। हमने ट्राई किया था तो फाइनली ऑनलाइन इसको ये मिल गया, तो इसने पापा को बोल के ऑर्डर करवा लिया। तो चलो स्मायरा, दिखाओ और बताओ यूट्यूब फैमिली को कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। तो मम्मा ये क्या है? YouTube फैमिली बताएगी ये क्या है। आपने कभी ये देखा है अपने घरों में? हमने तो बहुत देखा है अपने बचपन में। हम इससे करते थे साग कट, जो सरसों का साग होता है वो हम कट करते थे। तो अब आपको पता चल गया है कि ये क्या है। ये है कुकिंग सेट, और कुकिंग सेट ब्लैक कलर का। ऐसा क्या इसमें खास है वो भी स्मायरा आपको बताएगी। तो आपको पता चला ये किस काम आता है? Yes. यहाँ से हम कट करते हैं, दोनों तरफ से साग को पकड़ के ऐसे ऐसे कट करते हैं, और यहाँ से स्लाइड होकर आ जाता है प्लेट में। हाँ। और क्या है इसमें? देखो बॉक्स में ये देखो। हाँ हाँ, दिखाओ ना, सब दिखाना ही है। ये देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? पकौड़े बनाने के लिए छन्नी है। Yes. हम फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं इससे? और स्माइलीज। यस। और फ्रेंड्स, मेरे हाथों पर ब्लैकिश आने लग गई। वो तो आएगी क्योंकि बर्तन ब्लैक हैं और इसका जो पॉलिश है वो उतर रहा है ना? Yes. ब्लैक, कोई बात नहीं। वो जब एक बार नया नया ना, तो इसको यूज करोगे ना आप, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। Yes. ये देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये तो मुझे पता है, ये है चिमटा। रोटी सेकते हैं ना हम? Yes. बहुत प्यारा है ना ये भी। तो स्मायरा कुकिंग करेगी इन सबके साथ, आपको दिखाएगी, इसका भी व्लॉग हम लेकर आएंगे आपके लिए जब भी स्मायरा इन सारे कुकिंग सेट के साथ वीडियो बनाएगी। तो ये है टर्नर। टर्नर कितने हो गए हैं स्मायरा के पास? देखो अलग अलग वैरायटी के टर्नर्स हैं, कोई प्लास्टिक का है, कोई स्टील का है, और ये मेटल का है। Yes. ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मेटल के हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। देखो कितना सुंदर है ना। और जो स्टील के ना वो छोटे हैं। ये सारे के सारे बड़े हैं, देखो जितने भी प्रोडक्ट इसमें से निकले हैं। वाओ, ये क्या है? ये नाइफ है। नाइफ? नहीं नहीं, ये नाइफ नहीं हो सकता। नाइफ को तो वो पकड़ने के लिए होता है ना, इसको तो पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे समझ में आ गया ये क्या है, क्योंकि ऐसा मेरे पास वुडन का है। जैसे वो छोटी सी अंगीठी होती थी। हाँ। उसमें अंगीठी में चूल्हा चूल्हा जलाते थे, तो उसमें छोटे से आग के अंगारे होते थे। हाँ। उसको आपको टच करना है तो यू कांट टच विद योर हैंड्स। हम तो वुडन की वो स्टिक की यूज कर लेते थे ना। हाँ। श्योर नहीं है ये वही है या कुछ और है। ये है लैडर। ये तो चीजें समझ में आ जाती है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे ये स्मायरा को नहीं पता था क्या है, मैंने भी बहुत टाइम हो गया नहीं देखा है। मेरी दादी जो है वो इससे साग कट करती होती थी, तब मैं बचपन में देखती थी। सेम फॉर मी। हाँ, उसके बाद तो मैंने ये कभी नहीं देखा, इसीलिए याद है, बस देखा हुआ है, इतना ही काफी है। आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं है ये सब क्या है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि स्मायरा को ट्रेडिशनल कुकिंग के बारे में पता हो। तो आजकल तो चॉपिंग बोर्ड आ गए हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ये क्या है? ये चूल्हा है। अरे चूल्हा? हाँ। चूल्हा ऐसे थोड़ी ना होते हैं। और कैसे होता है? ऐसे ही होता है, यहाँ पे आप लकड़ियां रख के आग जला सकते हो। अच्छा, इसमें रियल कुकिंग हो सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, तुम मतलब मैं मम्मा की हेल्प करूंगी इस प्रोडक्ट से? नहीं, ये सबके लिए खाना खुद बनाएगी।
हेल्प क्या, आप मेरी हेल्प करते हो किचन में कभी? मैं तब करती हूँ हेल्प जब आपको क्लीनिंग वगैरह होता है ना। हाँ, कुकिंग तो आप करोगे अब। अपने किचन में मेरे लिए मैगी बनाना। हाँ, तो आपको दिखाते हैं कि चूल्हे के साथ साथ और क्या मिला है। मैगी के नाम से ना मेरे मुंह में पानी आने लग गया। वो तो यूट्यूब फैमिली के भी आ गया होगा। ये देखो क्या है। ये क्या है? ये क्या है? I don't know. तवा लग रहा है मुझे। इसका कवर देखते हैं। नहीं पापा, फिर तो ये जो हम लकड़ियां डालेंगे, नहीं तो फिर आप कवर हो जाएगी ना इसकी वजह से। नहीं लेकिन ना सिर्फ इस तरफ से स्पेस होता है ना लकड़ियां डालने के लिए, ऊपर से कुछ तो होना। ये क्या है? ये चकला है मुझे लगता है। हाँ, हाँ? चकला चकला है ना। ये क्या है बता? ये तो मुझे समझ आ गया है। यूटी फैमिली आपको समझ आया कि ये क्या है? नहीं। हाँ, सारे आपके तरह थोड़ी ना कि कुकिंग कभी करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है ये क्या है। क्या है ये? ये है तवा। हाँ, ये तवा है। चलो इसको उसके ऊपर रखो। हाँ, अब ये बन गया है। अब ये चूल्हा बन गया है रियल वाला। देखो इसमें रोटी बनाएगी सुमायरा, यहाँ पे रोटी बेलेगी, यहाँ पे पकाएगी। लेकिन इसमें बेलन नहीं है। हाँ, नहीं है। पुराने जमाने में ना हाथ से ऐसे ऐसे करके गोल गोल रोटी बना लेते थे। ये क्या है? ये है कढ़ाई। हाँ, ये फ्लैट कढ़ाई है। इसमें सब्जी दाल मैगी याद आया, इसमें मैगी बनाएंगे हम, क्योंकि मैगी वाला पैन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी यूनिक चीज है ना फ्रेंड्स, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। रखो मम्मा। तो कढ़ाई हम यहाँ पे रखेंगे और खाना बनाएंगे। कढ़ाई में सुमायरा आप पनीर बनाना, तो बन जाएगा कढ़ाई पनीर। नहीं, वो इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें मैगी बनाएंगे। कढ़ाई पनीर के लिए आपको एक और चीज दिखाते हैं। वो कढ़ाई पनीर जो है ना वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका वो ये फ्लैट है। कढ़ाई पनीर बनेगा इसमें। वाओ, सो क्यूट यार, कितनी प्यारी है सुमायरा, देखो। यस, वाओ। तो ना ऐसी कढ़ाई में ना हम वो ड्राई वेज बनाते हैं ताकि कढ़ाई जले ना, ब्लैक वाली। अगर मेरी जल भी जाएगी ना दिखेगा नहीं, क्योंकि हाँ, ब्लैक है। कढ़ाई चूल्हे के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। नाइस, A1, वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल। दादू के शो पे बहुत बड़ी सी कढ़ाई है। हाँ, वो तो मैंने देखी हुई है, क्योंकि उसमें क्या बनाते हैं? दूध गर्म करते हैं। दूध गर्म करने के बाद पनीर बनाते हैं। अरे पापा, इसमें हम वो भी तो बना सकते हैं क्या? हलवा। तो ऐसा करना, सबसे पहले हलवा ही बनाना इसमें। गोभी की सब्जी बन जाएगी इसमें। फ्राई करके। चलो अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। लास्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है, मैंने आप ही दिखाओ। ये सीधा करो इसको। ये है पट्टू बनाने का सांचा। साउथ में पट्टू बोलते हैं, आप लोग अप्पे भी बोलते होंगे। तो इसमें सुमायरा रियल वाले पट्टू अब बनाकर खिलाएगी। मैंने इसको बहुत बना बना के खिला दिए हैं सुबह स्कूल जाने के टाइम। और तो इसका मतलब इसमें बनेंगे मिनी अप्पे। हाँ, मिनी अप्पे, ठीक है। और मुझे लगता है अब ये जो स्टिक है ना, ये टर्न करने के लिए है। ओह माय गॉड, राइट राइट। मेरे पास मॉडल भी है। जो मम्मा के पास इससे सेट है ना पड्डू वाला, उसमें हमें ये मिला था, वुडन का मिला था मुझे। तो मेरे को ये शेप देख के याद आया कि मैंने किचन में इसको देखा है, तो ये क्या हो सकता है। तो इससे हम अप्पे टर्न कर सकते हैं, यानी कि पट्टू टर्न। हाँ, बट जब हम इस चूल्हे को जलाएंगे तो यहाँ पर आग के छोटे छोटे अंगारे होंगे, हम उनको भी टर्न कर सकते हैं ना। नहीं, अंगारे इससे भी उठा सकते हैं ना, ये देखो। बाहर अंगारा गिर गया, यहाँ से उठाओ अंदर डाल दो। सही बात है। तो मल्टीपर्पज, मुझे बहुत अच्छा लग रही है चीजें। बहुत ही प्यारा सेट है, कुकिंग सेट, और रियल कुकिंग सेट है ये। ये प्लास्टिक का, स्टील का जो होता है उसमें हम रियल कुकिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो रोल प्ले के लिए होता है बच्चों के लिए। तो ये रियल कुकिंग सेट है, सुमायरा अब रियल कुकिंग करेगी हमारी ऑब्जर्वेशन में। तो हम उसका ब्लॉग शूट करेंगे आपके लिए। आप हमें बताओ कि आपको कब चाहिए। मतलब मम्मा, मुझे रात को इसमें रोटी बनानी पड़ेगी? नहीं, आज नहीं बनानी पड़ेगी, अभी तो इसको हम क्लीन करेंगे। देखो ये जो पॉलिश इसकी उतर रही है, अच्छे से इसको निकाल देंगे एक ही बार में, पानी डाल के जितनी निकलनी है निकल जाएगी, उसके बाद हम कुकिंग करेंगे इसमें। तो आप मेरी रियल कुकिंग वाली वीडियो देखने चाहते हो ना, तो फिर आप जल्दी से इस वीडियो पर 5 की लाइक कर दो और शेयर भी करना। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।